के पंजाब का सबसे बड़ा मार्का। पीटीआई के उस्मान बुजदार और नून लीग के हमजा शहबाज आमने सामने। अरकान असेंबली की आमद का सिलसिला जारी। उस्मान बुजदार असेंबली में पहुंच गए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब डिवीजन राय शुमारी से होगा। लीग का असेंबली इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। काली पट्टियां पहनी है, चूड़ियां नहीं पहनी। धांधली ज़दा हुकूमत नहीं चलने देंगे। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। कहा बोझल दिल से आए हैं, जमहूरी निजाम का तसलसल चाहते हैं। तीसरी बार पुरमन इलेक्शन हुए, इकतदार की पुरमन मुंतकली हुई। शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, ओपोजिशन दलेरी से इलेक्शन लड़े। फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ है, चौधरी परवेज इलाही बोले उस्मान बुजदार गैर मतनाज़े हैं, इन पर कोई केस नहीं, स्क्रूटनी में क्लियर करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ और इतिहादियों के 186 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग का स्कोर 162, नून लीगी अरकान का स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत का फैसला। पीपल्स पार्टी कायदे ईवान के इंतखाब में भी लातालुक रहेगी। हसन मुर्तजा कहते हैं वजीर आला को वोट नहीं देंगे। पीटीआई और नून लीग दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। नामजद वजीर आला पंजाब पर मुकदमा कत्ल में दियत अदा करने का इंकशाफ। 1998 में पोलिंग के दौरान 6 अफराद मारे गए। नामजद वजीर आला समेत दीगर मुलजिमों को अदालत ने मुजरिम ठहराया। उस्मान बुजदार और उनके वालिद ने 75 लाख रुपए अदा करके फिरकैन से सुलह की। पुलिस इमरान खान वजीर अला पंजाब के मामले पर डट गए। कप्तान कहते हैं उस्मान बुजदार का फैसला 2 हफ्ते की छानबीन के बाद किया। उस्मान बुजदार नए पाकिस्तान के वीएन को लेकर चलने वाला ईमानदार शख्स है। फवाद चौधरी ने उस्मान बुजदार पर केसेस को प्रोपेगेंडा करार दिया। बोले उस्मान बुजदार पर कत्ल का मुकदमा सरासर सियासी है। वज़ीर-ए-आला के इंतखाब से पहले अरकान असेंबली की खूब आओभगत। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम। बोंग पाए, नान चने, हलवा पूड़ी और मीठी लस्सी से तवाज़ो।